नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसे आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, तो हम कर लेते हैं। और इसके साथ ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइन दिखेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके साथ ही आपको यहाँ माई ऑर्डर के सेक्शन पे क्लिक करना है। और इसके साथ ही आपने जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं सभी लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस भी किसी प्रोडक्ट का कैंसिल करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ़िलहाल मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाले पे। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ये ऑर्डर किया था, कल किया था ऑर्डर, और मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि अभी कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2021 को मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर दिखा रहा है। और इसके बाद 9 को पैक्ड होगा, 10 को ये शिफ्ट होगा और 10 को डिलीवरी भी होगा। तो अगर आप अपने ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख जाएगा। आप देख सकते हैं डिलीवरी के नीचे कैंसिल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।